जय हिंद, सभी को नमस्कार। दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप एकदम फिट एंड फाइन होंगे आप। तो आज हम बात करेंगे NIA की जो फुल जॉब प्रोफाइल है, NIA की ड्यूटी, पोस्टिंग, फैसिलिटीज़, फैमिली एकोमोडेशन, ट्रेनिंग, प्रमोशन, क्या उसका टास्क है, क्या वो काम करती है, कहाँ कहाँ पर इसके ब्रांचेस हैं और किस तरह का इसमें जो है, मतलब आने वाले समय में इसका फ्यूचर क्या है। ठीक है दोस्तों, फुल जॉब प्रोफाइल डिटेल्स इसके बारे में बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और जिस दोस्त ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। आपके लिए इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं लेकर आता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ये NIA जो है क्या है। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आपने बहुत सारी एजेंसी के नाम बारे में सुना होगा, आपका CBI हुआ, आपका रो हुआ, CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, रो आपका रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, और आपका IB इंटेलिजेंस ब्यूरो, NCB हो गया, नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड। ठीक है दोस्तों, बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं इंडिया में जो अभी काम कर रही हैं। सबका अलग अलग टास्क दिया हुआ है, खुद का अपना प्रोफाइल है, वो कौन किस तरह से काम करता है। जैसे कि आपका CBI है, वो आपका जो है क्राइम से रिलेटेड जो जितना भी काम होगा, आपका मल्टी एजेंसी, स्टेट एजेंसी या इंटरनेशनल लेवल पर कोई भी क्राइम होगा उस चीज़ को सोल्व करने के लिए वो एजेंसी बनाई है। ठीक उसी तरह 26/11 अटैक होने के बाद मुंबई में तभी केंद्र सरकार के द्वारा एक मीटिंग बैठाई गई, जिसमें रियलाइज हुआ, एहसास हुआ कि कोई हमारी जो इन्वेस्टिगेशंस हैं, इनपुट्स हैं, वो कहीं ना कहीं वीक हैं। अगर हमें ऐसे मालूम चल जाता कि इस तरह का कोई कार्य हुआ है, हाल फिलहाल में कोई गतिविधि देखी गई है या देखी जा सकती थी, तो हम इस तरह के अपराध को रोक सकते थे। किस तरह के अपराध को? 26/11 का जब मुंबई अटैक हुआ, उस तरह के अपराध को रोक सकते थे। तब यहाँ पे जो है ये जो आपकी NIA का गठन होता है। ठीक है दोस्तों, तो उसका काम क्या, टास्क है इसका, एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ से रिलेटेड है। जैसे कि आपका IB का खुद का टास्क अलग है, ऐसी NIA का केवल और केवल जो आतंकवादी गतिविधियां हैं उसको सोल्व करने के लिए, निपटाने के लिए। देखो, CBI काम करती है, कोई केस हो जाएगा, कोई क्राइम हो जाएगा, इसके बाद उसकी जो है इन्वेस्टिगेशन करती है। NIA का काम क्या है, कुछ होने वाला है उससे पहले ही खुद को तैयार रखते हैं। कहीं कहीं जगह जगह उनके सोर्स रहेंगे, इनपुट्स लेते रहेंगे, कहीं कहीं से छोटी छोटी एजेंसी से लेके बड़ी बड़ी एजेंसी लेके लोकल आदमियों के बीच में उनके इनपुट्स रहते हैं, वहाँ से इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं और उसको फॉरवर्ड करते हैं, ताकि कुछ ऐसी घटना अगर घटने वाली है तो उसको रोक सकें। ठीक है दोस्तों, तो ये इतना सारा इसका काम है। इसमें कॉन्स्टेबल का काम क्या है दोस्तों, कॉन्स्टेबल भी जैसे कि ऑफिसर्स का काम है, ऑफिसर्स कॉन्स्टेबल को टास्क देते हैं, छोटे छोटे टास्क देते हैं। जितनी हायर रैंक की उतनी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जितनी लोअर रैंक होगी उतनी कम रेस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं। ठीक है दोस्तों, तो पोस्टिंग की बात करते हैं। सबसे पहले पोस्टिंग कहाँ कहाँ रहती है, पोस्टिंग दोस्तों इसमें ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी पोस्टिंग हो सकती है, जैसे कि अदर फोर्सेज में होती है। सेम ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट फोर्स है एक तरह की ये भी, और ये MHA के अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। जैसे कि अलग अलग फोर्स आती हैं, जितनी SSC GD के द्वारा भर्ती फोर्स होती हैं सभी MHA के नीचे आती हैं। ठीक है, आपका जो आर्मी, एयरफोर्स और नेवी को छोड़कर वो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आती हैं, और जितने भी SSC GD के भर्ती की जाती हैं, जितनी फोर्स आपके CISF, SSB, BSF, NIA वगैरह वगैरह जो भी हैं, ये सब MHA के अंडर आती हैं। तो पोस्टिंग दोस्तों NIA जो कॉन्स्टेबल है इसकी कहाँ कहाँ हो सकती है, मेन इनका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, उसके बाद जो इनकी ब्रांचेस हैं कहाँ कहाँ पर पोस्टिंग्स हैं, वो हैदराबाद है, गुवाहाटी है आपका असम में, कोची है केरल में, लखनऊ है आपका उत्तर प्रदेश में, और आपका कोलकाता है, कोलकाता में इसकी ब्रांच है, रायपुर भी है, जम्मू कश्मीर भी है। ठीक है दोस्तों, इसमें खास बात क्या है दोस्तों, खास बात ये है कि इसके आप जो है इसमें जैसे और अदर जो फोर्सेस होती हैं, एजेंसी होती हैं, उनका खुद का एक मतलब ड्रेस कोड होता है, लेकिन इसमें कोई ड्रेस कोड नहीं है। बात ड्रेस की अगर करते हैं हम, तो इसका कोई खुद का ड्रेस कोड नहीं है। ये एक तरह की ये जैसा कि आपका CBI काम करती है, ठीक उसी तरह जो है आपका सिविल जो कपड़े रहते हैं, मतलब सिविल आपकी यूनिफॉर्म रहेगी, लेकिन अगर कहीं पे रेड डलती है या कोई इन्वेस्टिगेशन
ओपनली कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक जैकेट भी जो आपने देख रहे होंगे यहाँ पर इस तरह की जैकेट डाल लेते हैं, बस वही इनकी ड्रेस कोड है। और कुछ इनकी सिविल अलग, सिविल से अलग कोई यूनिफॉर्म कोड नहीं है जैसे अलग फोर्सेज में होता है। ठीक है दोस्तों, तो फैमिली एकोमोडेशन की बात करें, अगर दोस्तों हेडक्वार्टर वगैरह में अगर पोस्टिंग है तो वहाँ पर आसानी से एकोमोडेशन आप फैमिली मेम्बर जो बनना चाहते हैं, फैमिली के साथ रहना चाहते हैं, तो फैमिली वहाँ पे आप रख सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको कहीं डिप्लॉय किया जाता है किसी केस की इन्वेस्टिगेशन में, कोवर्टली मतलब लगा जाता है, चोरी छुपे आपको करना है कोई काम, टास्क दिया जाता है कि आप किसी के पीछे मतलब सोर्स छोड़ दिए जाएंगे, जैसे कि हमारे एक जानने वाले हैं, दोस्त हैं हमारे, अभी वो श्री संत का जो केस हुआ था तब जो उनको उसके पीछे लगाया था, तो क्या काम करता था वहाँ पे श्री संत के घर के पार बैठ के जो है चुपचाप से वहाँ पे उसका ऑब्जर्वेशन करता था, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, कौन सी गाड़ी में आ रहा है, कौन कौन लोग इसके घर के अंदर आ रहे हैं, वो पूरा उसका 8-10 घंटे जो घर के बाहर बैठा रहता है एकदम सिविल कपड़े पहन के, चोरी छुपे किसी भी तरह से अपने आप को हाइड करके रखना है। ठीक है दोस्तों, तो ये इन सब के मेन टास्क दिए जाते हैं ना, कई सारे केस होते हैं जैसे एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में जितने भी होते हैं, तो अभी हाल में जो जैसे मोहम्मद बांग्लादेश के साथ में मतलब एक टेररिस्ट पर पकड़ा गया था वहाँ पे, तो सऊदी अरब की जो लोकल वहाँ की एजेंसी है, यहाँ इंटरपोल्स एक एजेंसी है, उसके तहत NIA ने काम करते हुए एक बहुत ही बड़े टेररिस्ट को हाल ही में अभी 2017-18 से पहले जो है आतंकवादी को पकड़ा था। तो इस तरह के अचीवमेंट्स जो हैं NIA के बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और अगर आपको सेवा करने का मौका मिलता है तो NIA अपने आप के बहुत अच्छी फोर्स है। हाँ मैं मानता हूँ कि कुछ रिस्क हैं इसमें, कि खुद को अपने आप को आप आइडेंटिटी जो है अपनी छुपा के रखनी पड़ेगी, आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते सिविलियंस के सामने किसी के सामने भी, जैसे कि अदर फोर्सेज में आप खुद को डिस्क्लोज कर देते हो कि मैं उसमें डिपार्टमेंट में हूँ, CBI में बोलोगे मैं CBI में हूँ, तो ऐसे नहीं बोल सकते, आपको खुद को जो हाइड करके रखना पड़ेगा, अपनी आइडेंटिटी जो छुपा के रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये टास्क इस तरह का है कि आपको चोरी छुपे धीरे धीरे काम करना है। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको जो है लगभग हर चीज़ समझ में आ गई हो। सैलरी की बात करें तो सैलरी दोस्तों जितनी अदर फोर्सेज में है उसी इसमें भी इतनी ही सैलरी दी जाती है, ये अगर पोस्टिंग जोन के ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपकी पोस्टिंग A क्लास CT में तो आपको HRA और TPT जो हाउस रेंट अलाउंस और TPT A क्लास का मिलेगा, 20 B क्लास CT में है तो आपका जो HRA और TPT जो है डिपेंड करता है आपको वहाँ पर B क्लास CT के ऊपर, C क्लास CT में है तो C क्लास के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, ये आपका सैलरी का हो गया, सैलरी लगभग जितनी अदर कॉन्स्टेबल्स की होती है NIA में भी इतनी ही जो है आपको सैलरी मिलेगी, इससे ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है, इसमें अलाउंस वगैरह वो है, रिस्क अलाउंस वगैरह है, तो अगर वो जोड़ दिया जाए तो आपको सैलरी जो है इन कंपेरेटिव टू अदर जो फोर्सेस हैं या अलग स्टेट पुलिस कॉन्स्टेबल्स हैं मतलब C ग्रुप की नौकरी है, तो उनसे बेहतर ही बनती है इसमें। ठीक है दोस्तों, अगर आई होप कि आपको अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, आने वाले नोटिफिकेशन जितने भी आपके सामने आते रहें, मैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए जय जय हिंद।